कोरोना संक्रमण काल के दौरान बिहार का छोटू चौधरी गैंग सोशल मीडिया का प्रयोग करके दिल्ली NCR मुंबई सहित अन्य राज्यों में 125 से ज्यादा साइबर क्राइम के मामले को अंजाम दे चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच की टीम से बच न सका। क्राइम टीम बिहार जाकर उस गैंग के 4 अपराधियों दीपक, पंकज, श्रवण और मिथिलेश को पकड़कर दिल्ली लाई है, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस गैंग का मुख्य सरगना छोटू चौधरी अभी भी फरार है। ये छोटू गैंग बिहार में बनाना चाहता है साइबर क्राइम का दूसरा जामताड़ा। इस गैंग में करीब 200-300 गुर्गे काम करते हैं। यह गैंग बिहार के नालंदा इलाके में बैठे बैठे दिल्ली NCR के लोगों को कोरोना में मदद के नाम पर ठगने में लगा हुआ था। एक शिकायतकर्ता शरद चंद्रन ने बताया कि दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेरे रिश्तेदार भर्ती थे। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो जिंदगी और मौत से वो जूझ रहे थे। उस वक्त उनको ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आवश्यकता हुई, जो उस वक्त अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो सका था। हम लोग अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। किसी भी हालत में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना चाह रहे थे। तभी सोशल मीडिया के मार्फत हमें कुछ मोबाइल नंबर मिले, जिस पर हमने आंख बंद कर भरोसा किया, लेकिन मेरी और मेरी परिवार की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन शातिर बदमाशों ने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के नाम पर ही लूट लिया और हमारे पैसे भी ठग लिए और वक्त पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा पाने की वजह से हमारे रिश्तेदार की हालत खराब हुई। दिल्ली पुलिस की इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार में जाकर एक ऐसे गैंग के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब दिल्ली NCR में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही थी, तब इसके गैंग ने करीब 10 दर्जन से ज्यादा लोगों ने 125 से भी ज्यादा जरूरतमंद यानी मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के नाम पर लूटा और उसके साथ साइबर क्राइम के मामले को अंजाम दिया। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिहार के नालंदा में एक्टिव इंटरस्टेट गैंग छोटू चौधरी गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद इन आरोपियों के पास से 21 मोबाइल, 9 ऐसे मोबाइल नंबर जो फेक बैंक अकाउंट से अटैच थे, 23 ATM कार्ड, 22 फर्जी मोबाइल सिम कार्ड, बैंक अकाउंट संबंधित दस्तावेज और बैंक खाता, पासबुक, लैपटॉप, चेकबुक, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सहित कई अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। बिहार के नालंदा इलाके में छोटू चौधरी बहुत ही चर्चित अपराधी का नाम है, जिसके नेतृत्व में करीब 200-300 लोगों की टीम इसी तरह के फर्जीवाड़े के मामले को अंजाम देने के लिए काम करती है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के DCP अनेश राय के मुताबिक इस कोरोना संक्रमण काल के दूसरे फेज के दौरान सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के फर्जी कॉल बिहार से ही आए थे, जो ज्यादातर इसी अपराधी के गुर्गे द्वारा अंजाम दिया जाता है। छोटू चौधरी करीब 2-3 सालों से लगातार साइबर क्राइम के मामले को अंजाम दे रहा है। इसी दौरान अब वो कई अवैध संपत्तियों का मालिक भी बन चुका है। छोटू चौधरी अपने टीम में बेहद कम उम्र वाले युवकों को ही रखता है, जिनको पैसों और मौज मस्ती का लालच देकर उसे इस तरह के धंधे में उतारता है। इसके बाद उसे शातिर अपराधी बना देता है और अपने इशारे पर काम करवाता है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस मामले में जांचकर्ताओं को तफ्तीश के दौरान ये जानकारी मिली थी कि ये छोटे चौधरी गैंग बिहार शरीफ नालंदा जिला अंतर्गत कई इलाके में इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा है। क्राइम ब्रांच के पास इस तरह के जब कई मामले दर्ज हुए तो उसके बाद इस मामले में क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन, एडिशनल कमिश्नर सिवेश सिंह और DCP मोनिका भारद्वाज के बीच आपस में कई राउंड की बातचीत हुई और स्पेशल कमिश्नर के द्वारा विशेष तौर पर निर्देश DCP को दिया गया, इस तरह के मामले को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसके बाद DCP मोनिका भारद्वाज ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP संदीप लांबा और इंस्पेक्टर विवेकानंद झा के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र, संजय, ASI धर्मेंद्र, श्रीपाल, हेड कांस्टेबल विनोद, कांस्टेबल प्रवीण की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। इसके साथ ही इस गैंग में शामिल तमाम अन्य आरोपियों सहित फरार मुख्य सरगना छोटू चौधरी के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक छोटू चौधरी की के गुर्गे पहले फ्लिपकार्ट, फोनो फ्रेंडशिप जैसे पुराने तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम देता था, लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस महामारी को उसने अवसर बनाकर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य मेडिकल मसलों के नाम पर साइबर अपराध के मामले को अंजाम देने में जुट गया। DCP मोनिका भारद्वाज के मुताबिक जब कुछ मामलों की तफ्तीश की गई तो पता चला कि इन साइबर अपराधियों ने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया तो उसके बाद कई बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा था, जिसमें कई बैंक अकाउंट मुंबई के भी थे। लिहाजा इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम अब कई राज्यों में इस गैंग के फैले कनेक्शन को खंगालने के लिए कई बैंक अधिकारियों से भी संपर्क साध रही है, जिससे कि इस मामले में तमाम जानकारियों को प्राप्त करके आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके।
सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।